दोस्तों, हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों, अभी सुबह के लगभग 8 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है। मैंने अपना बोरिया भीतर सब कुछ पैक कर लिया है। यहाँ कल रात रहा था, वैसे इस रूम का कोई चार्ज नहीं है। बहुत सही लगा यहाँ पे रह गया। मस्त, अभी यहाँ से निकलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ सामने ही हनुमान जी का मंदिर है, कल वहाँ गया था दर्शन करने। बहुत ही सही से दर्शन हुए, इतनी अच्छी दर्शन हुए। VIP को भी वो नसीब नहीं होती दर्शन जो नसीब मुझे हुई है। अब कल का ब्लॉग देखना अगर आपने नहीं देखा है तो, उसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। फिलहाल तो मेरा पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो चुका है और आज की यात्रा यहाँ शुरू करते हैं। पर एक छोटी सी समस्या हो गई। समस्या क्या है मैं चलो नीचे बताता हूँ आपको। सर थैंक यू सो मच। परसों शाम को यहाँ पे पहुँच गया था, लगभग 8:30 हो चुका था पहुँचते। फिर रहने के लिए जगह देख रहा था, मेरे साथ देवा भैया भी थे। अगर आपको पता नहीं देवा भैया कौन है, तो परसों शाम को उन्होंने 4 बजे मुझे लिफ्ट दी थी। इतना अच्छा उनका मेरा कनेक्शन बन गया था, तो वो मेरे साथ यहाँ तक चले आए। कल शाम जब मैं चाय पानी पीने के लिए बाहर निकला तो मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हुई, जो बताते हैं कि महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग नहीं 5 ज्योतिर्लिंग है। हाँ मग मी तुम्हाला तेच म्हणतो, पण रेकॉर्डला ऑलरेडी 12 ज्योतिर्लिंगामध्ये औंढा नागनाथ येत नाही। हां आता ते कसं आहे धाम माहितीये का, ते आपल्या इकडं महाराष्ट्रात आपण काय म्हणतो ते 5 ज्योतिर्लिंग म्हणून असं हे केलेलं आहे, पण ऑलरेडी जे नका ज्योतिर्लिंग आहे का त्याच्यामध्ये नाही येते। मैं जब घर से निकला था तो मैं प्लान बना के निकला था, उसमें 3 ज्योतिर्लिंग दिखा रहा था। अभी मैं यही समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। अभी महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं तो मुझे 300 किलोमीटर पीछे जाना होगा। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ अभी हनुमान जी के दर्शन करने हैं। करना क्या है अभी तक मैंने डिसाइड नहीं करा है। अब घर से जो निकले हैं बाबा के दर्शन करने हैं, तो अब वैसे तो मैंने इरादा बना लिया है महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का। पहले तो जाके हनुमान जी के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं 300 किलोमीटर पीछे। हर हर महादेव। बाबा ये देख, 8वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर दारुकम तीर्थक्षेत्र। यार धूप होने से पहले मैं सोच रहा हूँ अपनी यात्रा शुरू कर दूँ, और मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा। करो इनको यहाँ से, ये क्या करो, बैग लेके आओ, खोल दो बैग। नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका बैग क्या है। अब अभी बस निकल रहा हूँ, दो दिन यही थे। हाँ तो कल आना था खाना खाने, आया तो था, आप नहीं मिले मुझे। मैं फोन करना भूल गया आपको, मुझे कॉल करना था, मैं आपको वहाँ पे खाने का बंदोबस्त तो भैया अभी मुझे थोड़ी आगे छोड़ेंगे। एक्चुअली ये हाईवे नहीं है, मुझे हाईवे दिखने जा रहे हैं, वहाँ से फिर मैं देखता हूँ। क्या चैनल का नाम, क्या बोल रहे हो, चैनल का नाम क्या है बोला।
साइड से है ना, इसके चारों तरफ क्या बोलते हैं उसको, इनार है। अच्छा अच्छा, मतलब चार से पाँच राजाओं ने इस पर राज किया। अच्छा, पर अभी कुछ हमारा नाम नहीं है। इसके चारों तरफ कुआ बना हुआ है ना, नाला बना हुआ है। हाँ, मगरमच्छ था इसके अंदर। अच्छा अच्छा, भैया ने मुझे एक शॉर्टकट दिखा दिया। अभी यहाँ से 203 किलोमीटर निकाल रहे हैं और मुझे इसी हाईवे को पकड़ के सीधे जाना है। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और लगभग मैंने 60-70 किलोमीटर कवर कर लिया अब तक। तो दोपहर के 12 बज चुके हैं, 12:10 हो गए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि चलने का मन ही नहीं कर रहा है और मैं नेशनल हाईवे पे नहीं हूँ, स्टेट हाईवे पे हूँ। यहाँ इतनी कोई लंबी लिफ्ट नहीं मिल रही है, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऐसे कोई लिफ्ट मिल रही है। और यहाँ से मुझे 180 किलोमीटर जाना है, पता नहीं आज शाम तक कोई उम्मीद नहीं है। अगर बाबा ने जाया तो पहुँचा देंगे। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर नींबू पानी पी रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। ठीक है, फिर निकलते हैं यहाँ से। नाम क्या है बाबू आपका? प्रेम। प्रेम, यहीं रहते हो? यार रास्ते में चलते चलते मुझे एक भाई मिल गए। भाई भी यात्रा करके आ रहे हैं। अभी सीढ़ी साइंस से यात्रा करके आ रहे हो ना आप? हाँ। कहाँ जा रहे हो? उसके बाद औंडा नंगनाथ। अरे यार, बहुत सही इंसान मिल गए। मैंने अपना बोर्ड इनको दे दिया, बोला लिफ्ट मांगने की कोशिश करो। लिफ्ट मांगो भैया, देखो मिलता है तो ठीक है। इनके पास वज़न बहुत कम है, मेरे पास इतना ज़्यादा वज़न है, पैदल चल ही नहीं पाता यार। मैं उठा लूँ। देखता हूँ भाई कितनी दूर लेके चल सकते हैं। उठा लो तू। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सही लग रहा है आपके ऊपर, बहुत सही लग रहा है। चलो यार, गजब लग रहा है यार, गजब लग रहा है यार। इनका बैग क्या सही है, 2-3 kg का वेट है। मेरे बैग में भाई कम से कम 18-20 kg है। बहुत तकलीफ़ होती है इसे लेके, ज़्यादा दूर पैदल नहीं चल सकता हूँ, पर कोई नहीं, अभी मज़ा आएगा। भाई वेट लेके चल रहे हैं, अगर इतना कम वेट होगा ना तो पैदल चलने में मज़ा आएगा। खैर चलो, देखते हैं लिफ्ट लेने की ट्राई करते हैं, अगर लिफ्ट मिल गई तो मज़ा आ जाएगा। जय बोले शंकर। हर हर महादेव। ये त्र्यंबकेश्वर वाले सीट बना रहे हैं। अपुर चल। हां, अपुर वाले बजाना। चल रख देना, इसको रख देना। हां, इसको पकड़ो ना थोड़ा। रुको, तुम पीछे, रात के 10 बज चुके हैं और आज खाने में रोटी, सब्जी, दाल, अचार और प्याज। यार कसम से आज थकान बहुत ज़्यादा हो गई। फाइनली आके मैं पहुंच चुका हूँ बाबा बैद्यनाथ, पल्ली बैद्यनाथ। यहाँ से 2 किलोमीटर है। मैंने अपना टेंट रेलवे स्टेशन पे लगाया क्योंकि आसपास कोई सेफ जगह मुझे मिल नहीं रहा था।
खाना खाने के लिए निकल गया। अभी अगर मुझे नहाने के लिए मिल जाता ना तो मज़ा आ जाता। यार मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं सोच रहा था यार नहाने की जगह मिल जाती तो मज़ा आ जाता। रेलवे स्टेशन पे मस्त अपर क्लास में बाथरूम वगैरह था, मैं घुस गया, नहाता हूँ फिर जाके आराम से सो जाता हूँ। यहाँ से कल सुबह उठ के फिर से नहाऊँगा, फिर बाबा के दर्शन करके जाऊँगा। कसम से यार थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं मिलूँगा आपसे कल। यहाँ तक आपने अगर ब्लॉग देखा है तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी सब बढ़िया, हम आपसे मिलेंगे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए भी हम लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। चिक चिक राधे राधे, हर महादेव। नहा के सो जाऊँगा।